नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय हिम्मतगढ़ में 50 छात्र छात्राओं को किए स्वेटर वितरित। श्री बद्रीलाल पोरवार धर्मार्थ ट्रस्ट की पहल। आईटीआई कॉलेज प्रवेश द्वार पर छात्रों ने जड़ा ताला। द्वितीय सेमेस्टर के 20 छात्राओं के परिणाम नहीं आने से हैं खफा। वंडर सीमेंट कंपनी की ओर से कारीगरों व ठेकेदारों को दिया पुरस्कार। स्पर्श स्कीम के तहत हुए चयनित। सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक हुई संपन्न। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जोड़ने का किया संकल्प। राष्ट्रीय सेवा आयोग इकाई द्वितीय के तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ आयोजित। नुक्कड़ नाटक के दौरान बेटी बचाओ के लिए किया जागरूक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी एक दिवसीय ट्रेनिंग। प्रोत्साहन की दी जानकारी। साठ बालक बालिकाओं को की चरण पादुकाएं वितरित। खेराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ व भामाशाह आए आगे। बाइक द्वारा पेड़ से टकराने से दो व्यक्तियों की मौत। डग मेगा हाईवे के भैसानी गांव का हादसा। साफ सफाई नहीं होने के चलते वार्डवासी नाराज। पालिका पर लगाए आरोप। वार्ड नंबर 14 का है मामला। ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल में 18वीं वार्षिक अंतर कक्षा खेलकूद प्रतियोगिता हुई शुरू। बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। डंपर की टक्कर से 33 केवी लाइन का टूटा तार। 30 गांवों में बिजली रही गुल। भालता क्षेत्र के आसलपुर गांव का है मामला। भवानी मंडी शाखा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुद्रा रथ द्वारा ग्रामीणों को दी जानकारी। वित्तीय योजनाओं के बारे में लोगों को किया जागरूक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 53वां प्रदेश अधिवेशन को लेकर पोस्टर का किया विमोचन। 24 दिसंबर को होगा जयपुर में अधिवेशन। पुरानी रंजिश को लेकर ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। महिला की हुई मौत। पति का किया अपहरण। सुनेल क्षेत्र के आंखखेड़ी की घटना। अब खबरें विस्तार से। पिड़ावा क्षेत्र के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय हिम्मतगढ़ में श्री बद्रीलाल पोरवाल धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से 50 बालक बालिकाओं को जर्सी स्वेटर वितरित किए गए। ट्रस्ट संचालक विकास पोरवाल ने इस अवसर पर सभी से छात्रों व शाला विकास के कार्यों में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। संस्था प्रधान सुभाष सोनी ने शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी रहने के लिए प्रेरित किया। वितरण कार्य क्रम में विद्यार्थियों के अभिभावक सहित ग्राम पंचायत सरपंच श्यामलाल, सचिव नंदलाल गुर्जर, संदीप भावसार, पीरूलाल पटेल व शाला स्टाफ के सदस्यों ने जर्सियां वितरित की। कार्यक्रम में एसडीएमसी सचिव कैलाश पाटीदार, राकेश श्रृंगी, बाल मुकुंद वर्मा और रतिराम मेघवाल के प्रयासों की प्रशंसा की गई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मोबाइल पर सभी को धन्यवाद दिया। पिड़ावा में आईटीआई छात्रों के द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम नहीं आने से छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसी समस्या को लेकर बुधवार को छात्रों ने प्रदर्शन कर आईटीआई कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया। गौरतलब है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कुल 35 छात्र हैं, जिनमें से सिर्फ 15 छात्रों का रिजल्ट आ गया है। वहीं 20 छात्रों का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस कारण 20 छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क जमा हो रही है, जिसकी अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। इस कारण छात्र और उनके अभिभावक चिंतित हैं। सभी छात्र जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वह भी समय रहते तीसरे सेमेस्टर की फीस जमा करा सके। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद शर्मा व सीआई राम भरोसी मीणा ने छात्रों में समझाइश की तो छात्र ताला खोलने पर राजी हो गए, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकलने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है।
छात्रों ने बुधवार को जिला कलेक्टर से मिलकर समस्या बताने का निर्णय लिया। तुम्हारे टीचरों से बात करेंगे ना, उसके बाद तुम्हें कुछ बताएंगे। एक बार ताला खोलो, बात करने को भी ये गैर कानूनी यही है, ठीक है नहीं? हाँ तो एक बार तुम्हारे साथ बात करेंगे, वो क्या जवाब देते हैं उसके बाद फिर तुम्हारे तुमसे भी तो बात करेंगे, वो बात करेंगे उसके बाद। पहले कितना परसेंट दिया इन्होंने? सर हमारा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, वो यहाँ से भी कार्यवाही हो चुकी है पर ऊपर वाले कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और हमारा भविष्य का सवाल हो चुका है सर, और हमारा 2 साल बिगड़ने के आ गए मतलब आसार। तो सर इसके लिए जल्द से जल्द कोई ऊँची कार्यवाही हो, हमारा रिजल्ट प्रकाशित करें वो, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा सर। और हमारा थर्ड सेम में हम फॉर्म की डेट भी हमारे 22 दिसंबर आ चुकी है और सर इसके लिए हम इम्प्रूव भी हो जाएंगे, हम फॉर्म भी डालने के लिए अगर वो नहीं हो पाता हमारा रिजल्ट घोषित तो सर हम उसके लिए वैलिड नहीं हो पाएंगे और हमारा 2 साल सर खराब हो सकते हैं। और सब सर यहाँ पे गरीब छात्र हैं, कोई भी पैसे वाला छात्र नहीं है सर यहाँ पे। कितने छात्र सर यहाँ पे? 35 छात्र हैं, 20 में से 15 का रिजल्ट आ चुका है और 20 का रिजल्ट नहीं आ पाया। ताला क्यों जड़ा था आपने? ताला सर हमारा रिजल्ट नहीं आने के कारण ताला जड़ा हुआ है यहाँ पे। मिश्रौली कस्बे में वंडर सीमेंट कंपनी की कारीगरों और ठेकेदारों को स्पर्श स्कीम के तहत आज कस्बे के डीलर राजेश कुमार विजय कुमार गुप्ता की दुकान पर कारीगरों व ठेकेदारों को पुरस्कार वितरण किए गए। इस अवसर पर वंडर सीमेंट कंपनी के झालावाड़ जिला मार्केटिंग ऑफिसर आदित्य व्यास व जिला टेक्निकल ऑफिसर आर के प्रजापति और वंडर सीमेंट बिजनेस पार्टनर सुनील कुमार शर्मा, राधेश्याम गुप्ता आदि ने कारीगरों व ठेकेदारों को स्पर्श स्कीम के तहत पुरस्कारों का वितरण किया। डीलर विजय राज गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। पिड़ावा कृषि उपज गौंड मंडी में सदस्यता महाभियान को लेकर भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक तहसील अध्यक्ष धनसिंह गुजर के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर ग्रामीणों को भारतीय किसान संघ की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। तहसील अध्यक्ष धनसिंह गुजर ने कहा उनका लक्ष्य क्षेत्र में 1.25 लाख सदस्य बनाने का है। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से तन मन धन से महाभियान में सहयोग की बात कही। बैठक के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए संयोजक व सह संयोजक नियुक्त किए गए। बैठक को जिला उपाध्यक्ष श्री किशन पाटीदार, सुनील अध्यक्ष बजरंग पटेल, जिला सहमंत्री राधेश्याम गुजर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर तहसील मंत्री कारूलाल दांगी, सदस्यता प्रभारी महेश मेहर, मुकेश मेहर आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी राजकीय बिरला महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय के तत्वावधान में आयोजित हो रहे अभिमुखी के द्वितीय दिवस पर प्रथम चरण में व्याख्याता डॉक्टर देशबंधु त्यागी ने युवाओं की भूमिका पर व्याख्यान दिया और कहा कि निरंतर प्रयत्न करते रहने से विकास की राह बनती है तथा सभी स्वयं सेवकों एवं सेविकाओं को जीवन में अपना योगदान देने को प्रेरित किया। स्वयं सेविकाओं ने कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ के लिए जागरूक किया, जिसमें श्रेया चतुर्वेदी, सुनीता राठौड़, ऋतु प्रजापति, प्रज्ञा परिहार, मानसी चतुर्वेदी पात्र रहे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता गुप्ता ने सभी स्वयं सेवकों को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही प्रस्तुतिकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत डग चौ महिला सुपरवाइजर द्वारा महिला बाल विकास केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, जहां मातृवंदना योजना के तहत 3 किश्तों में नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला द्वारा गर्भधारण का पंजीयन कराने पर ₹1,000 पहली किश्त व 6 माह पर दूसरी किश्त ₹2,000 व बच्चे का जन्म पंजीयन कराने पर ₹2,000 तीसरी किश्त दी जाएगी। पिड़ावा क्षेत्र के खेराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला स्टाफ की ओर से 60 बालक बालिकाओं को चरण पादुकाएं वितरित की गईं। वहीं भामाशाह एसके कंप्यूटर संचालक गिरिराज टेलर की ओर से आधा दर्जन दीवार घड़ियां भी भेंट की गईं।
संस्था प्रधान बत्तीलाल महावर ने बताया कि चरण पादुका वितरण के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों से विद्यालय विकास के लिए भामाशाह बनकर सहयोग की अपील की गई। चरण पादुका वितरण में शाला परिवार के सभी कार्मिकों के सहयोग राशि प्रदान की। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक नारायण सिंह, तुलसाराम पटेल, व्याख्याता मनोज सांखला, अब्दुल गफ्फार, जितेंद्र मीणा, प्रार्थना बूंदीवाल, हंगामी लाल, रामदयाल रेगर, घासीलाल मेघवाल, रमेश पाटीदार, नरेंद्र भटनागर आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया। मिश्रोली थाना क्षेत्र के भैसानी मिश्रोली के बीच मेगा हाईवे पर देर रात दो लोगों के बाइक द्वारा पेड़ से टकरा जाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बोलिया निवासी कैलाश मेघवाल व प्रभुलाल मेघवाल रात को बाइक से अपने गांव बोलिया जा रहे थे, तभी उनकी बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से दोनों गंभीर घायल हो गए। वहीं रात भर सर्दी में पड़े रहने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसका पता ग्रामीणों को सुबह लगा जब वह दूध देने शहर आ रहे थे, तभी रोड के किनारे दो लोग पड़े हुए दिखाई दिए जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। वहीं उनके द्वारा कोई हलचल नहीं करने पर ग्रामीणों ने मिश्रोली पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां पुलिस ने पहुंचकर दोनों को देखा तो दोनों मृत थे। उनकी तलाशी ली तो उनके पास दो मोबाइल मिले, दोनों की पहचान उन्हीं से हुई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को झालावाड़ पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। सबसे बड़ी बात यह देखने को आती है कि झालावाड़ डग मेगा हाईवे पर पूरी रात आवागमन बना रहता है, मगर किसी ने भी दोनों की खैर खबर नहीं ली। रात भर दोनों के घायल पड़े रहने से उनकी मौत हो गई। अगर मौके पर दुर्घटना के बाद इन्हें इलाज मिल जाता तो शायद ये जी जाते। भवानी मंडी वार्ड नंबर 14 के रहवासियों ने वार्ड में सही तरीके से साफ सफाई नहीं होने के चलते पालिका को आड़े हाथों लिया। वहीं लोगों का आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत यहाँ वार्ड में स्वच्छता की धज्जियां उड़ रही हैं। एक तरफ पालिका द्वारा पूरे शहर में सफाई कराई जा रही है, मगर पालिका व वार्ड मेंबर से यह वार्ड नंबर 14 साफ नहीं हो रहा है, जिसके चलते वार्ड की महिलाओं ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि वार्ड में पार्क के नाम पर जगह खाली पड़ी हुई है, जहां कई सारे जंगली पेड़ पौधे उगाए हैं। वहीं लोगों द्वारा गंदगी डाल देने से वहां काफी गंदगी नजर आती है। झाड़ इतने ज्यादा उग गए हैं कि यहां कई बार जहरीले जंतु आकर बैठ जाते हैं। रात होते ही आवारा गायें वहां अपना डेरा डाल लेती हैं। कई बार वार्ड पार्षद को कहा गया, मगर अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं पालिका भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। नालियों में जाम लगने से नालियां कीचड़ से भर गई हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं, मगर सफाई के नाम पर कुछ नहीं करके जाते, जिससे वहां रहने वाली महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और पालिका पर नाराजगी जाहिर की। अभी इस वक्त खड़े हैं हम वार्ड नंबर 14 में। यूं तो केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका रात रात भर भी यहां पर सफाई करवा कर पूरे शहर को साफ कर रही है। वहीं वार्ड नंबर 14 ऐसा है जहां पर कई सारी गंदगियों से यह पार्क अटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि काफी सारी गंदगी होने से कई सारी समस्याओं के उनको सामना करना पड़ रहा है। कई जानवर तगाद यहाँ आकर बैठ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। वहीं आसपास झाड़ी अधिक होने की वजह से चोरों का खौफ भी बना रहता है। इसके चलते यहाँ की महिलाएं नाराजगी जाहिर करते हुए हम बात करते हैं उन महिलाओं से, किस तरह की नाराजगी वो जाहिर कर रही है। एक तो हमारे यहाँ गंदगी, दुर्गा देवी शर्मा, दुर्गा भाई जी, किस तरह की समस्या? ये समस्या है कि हमारे यहाँ इधर इतनी गंदगी है जो सांप निकलते हैं, सांप निकलते कर घर में चल जाते हैं, और बच्चे खेलने से भी डरते हैं कि भाई उस लोग मना करते हैं, खेलने जाते हैं कि भाई उधर मत जाओ, सांप से डर रहता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए आपने क्या नगरपालिका एक इनको अवगत कराया? नगरपालिका रंजिता पांडे से भी बोला हमने कि भाई यहाँ की साफ सफाई कराओ, नाले साफ कराओ। नाले में तो आते हैं, कुछ तो निकालते हैं, कुछ नहीं निकालते, कुछ वहीं छोड़ देते हैं, और यहाँ से हमें बहुत परेशानी है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा है कि इन्होंने उनकी जो वार्ड पार्षद रंजिता पांडे, उनको भी इन्होंने कई बार अवगत कराया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई किसी तरह की कोई इन पर सफाई व्यवस्था को नहीं किया गया। हम बात करते हैं हमारे साथ और भी महिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा पवन। शोभा जी, क्या समस्या आ रही है हमारे? एक तो रोड पूरा खुदरा है, कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे, और एक नाली, हमारे नाली में घुटने घुटने पानी भरा है। हरिजन आते हैं, सफाई नहीं करते। इसके लिए आपने चेयरमैन को? हाँ साहब, एप्लीकेशन लिख लिख के दे दिए हमने पूरे मोहल्ले वाले ने, फिर सुनाई नहीं करते हैं बिल्कुल, पूरी तरह से सफाई नहीं करते। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा है कि कई बार इन्होंने लिखित में भी पार्षद को दिया हुआ है, वहीं चेयरमैन को भी दिया, उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। और भी महिलाओं का रोष इसी तरह फूट रहा है। हम बात करते हैं और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका नाम? निर्मला देवी।
निर्मला जी क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे वो नालियाँ भरी है और कचरा भी साफ करके नहीं ले जाते, और चेयरमैन साहब आके हम सब बात कर ली उनसे, तो भी आज दिन तक ध्यान नहीं दिया उन्हें। यानी अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पा रहा? हाँ, वो अभी जाके देख सकते हो नालियों पर। बिल्कुल, इन्होंने इनका कहना है कि इनकी यहाँ नालियाँ बिल्कुल अटी पड़ी हुई है, नालियों की वजह से पूरा गंदा पानी रोड तक आ जाता है। इन्होंने हमारे भवानी नगर पालिका चेयरमैन को भी अवगत कराया, मगर चेयरमैन भी आकर देखकर चले जाते हैं, मगर सफाई व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। और भी हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं उनसे। आपका नाम? उर्मिला उदित। उर्मिला जी, क्या समस्या आ रही है आपको इस वार्ड में? सबसे इन सबकी समस्या है जो मेरी समस्या है, और थोड़ा सा भी बरसात आ जाए, पानी आ जाए, तो हम घर के बाहर नहीं निकल पाते, इतना हमारे यहाँ पानी डूबा डूब हो जाता है। और पीछे ये नालियाँ, ये जो है पार्क बना हुआ है, ये पार्क है क्या? इस बात का ही सही पता लगे जब पार्क बनेगा या तैयार होगा। यहाँ तो इतना मतलब अड़झाड़ हो रहा है कि जैसे किसी जंगल में रह रहे हैं हम लोग। इधर से न तो रोड नजर आता है, न कोई, कचरा भी फेंकने जाएं तो रस्ते में जी सुअर उअर घूमते रहते हैं, जो हमारी कचरे की बाल्टियाँ भी ढुल जाती है, गिर जाते हैं, और बच्चे भी परेशान होते हैं, गिरते हैं। और इतना सर्प भी एक दिन घुस गया था, जो सर्प वो अंदर कहाँ गया, झाड़ियों में आज भी पता नहीं है उसका कहाँ गया। बिल्कुल, जैसे इन महिलाओं का कहना है कि काफ़ी सारी समस्याओं को इनको सामना करना पड़ा है, काफ़ी सारे अड़जार यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई जानवर यहाँ बैठ जाते हैं, कई बार नौबत ये आ जाती है कि यहाँ पर बैठा हुआ जानवर इनके घर में तक भी घुस जाता है। जबकि नगर पालिका काफ़ी रुपये खर्च कर पूरे शहर की साफ सुविधाओं के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च कर रही है, मगर यहाँ आज भी गंदी व्यवस्था बनी हुई है। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं इसी वार्ड के लोग, उनसे हम भी बात करते हैं कि उनको भी क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सर, आपका नाम? अनिल सोनी। अनिल जी, क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? समस्या है कि हाउसिंग बोर्ड में कभी झाड़ू लगते ही नहीं, महीने में एक बार अगर झाड़ू लग जाए, अगर हम लोग शिकायत करते हैं नगर पालिका में, तो महीने में मात्र एक बार ही झाड़ू लगता है। और उसके बाद आज ये पार्क की स्थिति थी, जो सभी को मालूम है, चेयरमैन साहब को मालूम है, हाउसिंग बोर्ड में जो पार्क की क्या स्थिति कर रखी है, बाकी पूरा भवानी मंडी के पार्क बन चुके हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा बहुत ही बुरी है। एक ट्रक सालों से यहाँ खड़ा हुआ है, उस वो भी नहीं हटाया जा रहा है, बाकी झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी है, जानवर रात को रहते हैं, निकलते हैं, गाय कम से कम 50 गायें यहाँ पर इस पार्क में बैठ जाती हैं, रात को इतनी गंदगी हो जाती है कि सवेरे घर वालों को ही साफ करना रहता है, बाकी नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ पर। बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह से बोला है कि नगर पालिका की तरफ से यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, इनको यही पता नहीं है कि ये पार्क है या क्या है। ज्यादातर शहर के जितने भी पार्क है वो सुसज्जित तरीके से बन चुके हैं, मगर इस पार्क का अभी कोई धरी धुड़ी नहीं है। मैं कैमरामैन नवीन राजवाल के साथ खबर 24 न्यूज भवानी मंडी, राहुल रावल। भैसोदा मंडी स्थित ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल में 18वीं वार्षिक खेलकूद अंतर कक्षा प्रतियोगिता शुरू हुई। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक रौनक भराड़िया ने रोहन कर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगियों को शपथ भी दिलाई गई। भराड़िया ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। खेल खेलने से शरीर स्वस्थ व दिमाग तंदुरुस्त रहता है, इसीलिए हर विद्यार्थी को खेल से जुड़ा रहना चाहिए। मगर आज के टेक्निकल युग में खेलों का रूप मोबाइल ने ले लिया है। आजकल के छात्र छात्राएं खेल के बजाय मोबाइल पर बने रहते हैं, जिससे दिमाग ही नहीं शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं 3 दिन तक चलने वाली अंतर कक्षा खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक के नन्हे बच्चे व छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार के खेल खेलेंगे, जहां चेयर रेस, लॉन्ग जंप, चम्मच रेस, क्रिकेट, बॉल थ्रो जैसे खेल खेले जाएंगे। बच्चों व बड़े छात्र छात्राओं ने जमकर भाग लिया है। इस दौरान विद्यालय प्रशासन मौजूद था। क्या नाम है? एक जाने एक और बार, एक और बार। भालता क्षेत्र के आसलपुर गांव के समीप दतलाई रोड पर मंगलवार को एक डंपर की टक्कर से घाटोली से भालता की 33 KV विद्युत लाइन का तार टूट जाने से मंगलवार रात 10 बजे से ही भालता सहित क्षेत्र के 30 गांवों में बिजली गुल हो गई, जिससे मंगलवार रात से अंधेरा व्याप्त रहा। आसलपुर गांव के पास अकलेरा भोपाल रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है, जहाँ पर रोजाना सैकड़ों ट्रक व डंपर ओवरलोड होकर गुजरते हैं। रात में विद्युत लाइन के नीचे से गुजर रहे ट्रक की टक्कर से दतलाई रोड पर 33 केवी की भालता घाटोली विद्युत का तार टूट गया। तार के साथ ही 1 किलोमीटर तक के विद्युत पोल टूट गए हैं, जिसका बुधवार सुबह से ही बिजली विभाग के अधिकारी आशीष वर्मा सहित दर्जनों कर्मचारियों व मजदूरों की देखरेख में मरम्मत कार्य चल रहा है।
आसलपुर के पास इसी जगह 2 महीने पहले ट्रक चालक की लापरवाही से 33 केवी का तार टूट गया था, जिससे कई गांवों में 3 दिनों तक लाइटें नहीं आई थी। विद्युत विभाग के कर्मचारी व मजदूरों ने बहुत ही मशक्कत के बाद मरम्मत कार्य किया। इसके बाद अब फिर मंगलवार रात में एक ट्रक चालक की लापरवाही से तार टूट गया, जिस पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। स्थानीय ग्रामीण श्याम पारिता ने बताया कि रेलवे लाइन के कार्य में ट्रक चालक शराब के नशे में अंधाधुंध होकर वाहन चला रहे हैं। रात में 33 केवी की लाइन का तार टूटते ही झूलते तारों में बहुत ही तेज स्पार्किंग होने लगी। इसके बाद तुरंत ही अकलेरा से आनंद फानन में बंद करवाई गई। 33 केवी की बंद लाइन में करंट बंद हो गया और बिजली विभाग की सूझबूझ से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि अच्छा हुआ रात में कोई आवागमन भी ज्यादा नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले में बिजली विभाग के सहायक अभियंता आरआर मीणा ने बताया कि घटनास्थल पर मरम्मत और रखरखाव का कार्य तीव्रता से चल रहा है। गुरुवार शाम तक सभी जगहों पर बिजली आ सकती है और लापरवाह ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज करवाएंगे। भवानी मंडी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा द्वारा भवानी मंडी ग्रामीण बैंक मुद्रा रथ द्वारा लोगों को बैंक की वित्तीय समावेशन, एटीएम संचालन, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजनाओं की जानकारी शाखा प्रबंधक पी के खरे द्वारा दी गई। इस दौरान रथ के साथ झालावाड़ वित्तीय सहायक परामर्शदाता वीरेंद्र कुमार सक्सेना भी थे। जानकारी दी गई। इस दौरान धर्मेंद्र कुमार, प्रबंधक बहादुर सिंह, सहायक प्रबंधक अरविंद मीणा, राजाराम सेन आदि मौजूद थे। रथ यात्रा गुराड़िया जोगा सरोद सहित पंचायत के विभिन्न गांवों में पंचायत की योजनाओं का प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री विकलांग योजना की जानकारी देते हुए एटीएम का सीधा संचालन प्रसारण करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 53वां प्रदेश अधिवेशन दिनांक 24 से जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में भवानी मंडी में नगर इकाई द्वारा आज कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। 3 दिन चलने वाले अधिवेशन में विद्यार्थी शिक्षा एवं समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख हिमांशु चतुर्वेदी, जिला सह संयोजक गोपाल वर्मा, नगर अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, नगर मंत्री ऋषभ श्रृंगी, विनय पोरवाल, अमन पोरवाल, आशीष पोरवाल समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में आंखेड़ी मार्ग पर बाइक सवार को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बोलिया बुजुर्ग गांव निवासी रामकरण ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र राजू व बहू शोभा बाई बाइक पर सवार होकर भवानी मंडी पेशी पर जा रहे थे। इसी बीच आंखेड़ी रोड पर बोलिया बुजुर्ग गांव के ही फतेह सिंह, कालू सिंह एवं दुर्गा सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने के नियत से बाइक को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार उसकी बहू की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उसके पुत्र का अपहरण करके ले गए। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल एवं 2 तलवार भी बरामद की है। पुलिस ने धारा 302, 365, 34 IPC में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।